मंजिल मजबूर हो मिलने को आपसे, आप कोशिश इतनी शिद्दत से कीजिए। दोस्तों कहते हैं ना कि जो कामयाबी हासिल करने का जुनून रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थर का पुल बना देते हैं, इसलिए अपने जुनून को बरकरार रखो और बढ़ते रहो। वेल दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे बेतहाशा जुनूनी लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपने जुनून और लगन से खुद को साबित किया और आज बॉलीवुड स्टार है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन सितारों की जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत बैकग्राउंड डांसर के रूप में की थी। नंबर 10, मौनी रॉय। दोस्तों मौनी रॉय के बहुत से फैंस को लगता था कि उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत टीवी सीरियल से की, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बैकग्राउंड डांसर के तौर पर की थी। 28 सितंबर 1985 को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जन्मी मौनी को एक्टिंग का काफी शौक था। दोस्तों मौनी रॉय पहली बार अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला की फिल्म रन के गाने में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नजर आई। उसके बाद इन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत टीवी सीरियल जिसका नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी उसमें ये नजर आई, जिसमें लोगों ने इनको काफी पसंद किया। और इसके बाद मौनी एक से बढ़कर एक हिट शो करती चली गई, नागिन, नागिन 2, कस्तूरी, और आज इन्हें इंडस्ट्री के बड़े सितारों में गिना जाता है। और हाल ही में रिलीज हुई ब्रह्मास्त्र मूवी में इनको देखा गया। नंबर 9, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत आज बेशक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने शानदार अभिनय से उन्होंने दर्शकों के दिलों में जो खास जगह बनाई उसका मुरीद आज भी हर कोई है। 21 जनवरी 1986 को बिहार में जन्मे सुशांत सिंह और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बैकग्राउंड डांसर के रूप में की। सुशांत पहली बार फिल्म धूम 2 का गाना धूम मचाले में ऋतिक रोशन के पीछे डांस करते हुए नजर आए थे। इतना ही नहीं, सुशांत ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे डांस करते हुए देखे गए थे। नंबर 8, रेमो डिसूजा। दोस्तों रेमो डिसूजा आज भले ही जाने माने कोरियोग्राफर या निर्देशक बन गए हों, पर इनका यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं रहा। डांस के प्रति उनका जुनून फिल्मों में एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर शुरू हुआ था। दोस्तों डांस का जुनून इन्हें मुंबई तक लेकर आया जहाँ इनकी कई रातें भूखे पेट ही काटनी पड़ी। इनके इरादों ने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों रेमो ने बैकग्राउंड डांसर के रूप में पहली बार शाहरुख खान के साथ काम किया और उसके बाद सफलता इनके कदम चूमती चली गई। नंबर 7, प्रभुदेवा। दोस्तों हमारे माइकल जैक्सन कहे जाने वाले प्रभुदेवा को कौन नहीं जानता, जिन्होंने भारत में डांस की तकदीर बदल दी। बेहतरीन डांसर प्रभुदेवा आज सफल कोरियोग्राफर नहीं है बल्कि वो शानदार फिल्म मेकर भी हैं। लेकिन दोस्तों किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि बैकग्राउंड डांसर की कभी ये दुनिया दीवानी होगी। 1989 में एक तमिल फिल्म में प्रभुदेवा ने बतौर बैकग्राउंड डांसर काम किया था और इसके बाद ये आगे बढ़ते चले गए और आज प्रभु एक सफल डांसर के साथ कोरियोग्राफर भी बन चुके हैं। नंबर 6, शाहिद कपूर। ब्यूटीफुल लुक और क्यूट से स्माइल से सबका दिल जीत लेने वाले शाहिद आज भले ही सफलता के ऊंचे मुकाम पर हैं, पर दोस्तों इन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष और उतार चढ़ाव का सामना किया। दोस्तों शाहिद को बचपन से ही डांस करने का शौक था जिसके चलते इन्होंने बैकग्राउंड डांसर के रूप में अनेक सितारों के पीछे काम किया। ये ऐश्वर्या, करिश्मा, शाहरुख जैसे कई बड़े सितारों के पीछे डांस कर चुके हैं। बैकग्राउंड डांसर के बाद शाहिद कपूर को फिल्म फिदा, दिल मांगे मोर, दीवाने हुए पागल, वाह लाइफ हो तो ऐसी जैसी फिल्मों में देखा गया। नंबर 5, धर्मेश। दोस्तों किसी चपरासी का काम करने वाले को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी लाइफ आगे तक कहां जाएगी। लोग शायद उसकी लाइफ को उसके पद से रिलेट करें। जरा धर्मेश इन पर एक नजर मारिए। जो आज फेमस डांसर हैं ये कभी चपरासी का काम करते थे, पर वो कहते हैं ना भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते जो कि मेहनत करता है। ठीक ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। प्रभुदेवा सर का डांस देखकर ये इतने इंस्पायर हुए कि इन्होंने डांस की विद्या ही सीख ली। धर्मेश भोजपुरी, गुजराती सॉन्ग में बहुत बार बैकग्राउंड डांसर के रूप में देखे जा चुके हैं, जो इनकी पहली सीट थी। नंबर 4, फराह खान। दोस्तों बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वे माइकल जैक्सन से काफी प्रभावित थी, यही वजह कि उन्होंने माइकल जैक्सन की एल्बम थ्रिलर देखने के बाद डांस को अपना करियर चुना और टीवी देख देख कर डांस सीखा। दोस्तों कहा जाता है इनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण इन्होंने कई सॉन्ग में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया और यहीं से इनकी शुरुआत हुई। 1986 में आई मूवी हम हैं नौजवान में इन्हें आप गोविंदा के पीछे डांस करते हुए देख सकते हैं। नंबर 3, डेजी शाह। जय हो जैसी मूवी में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी डेजी शाह आज भले ही सफल एक्ट्रेस हों, पर इन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर की। आपने ऋतिक रोशन की मूवी आप मुझे अच्छे लगने लगे सॉन्ग में ओरी ओरी में देख सकते हैं। इसके अलावा सलमान खान की मूवी तेरे नाम में लगन लगी सॉन्ग पर भी इन्हें बैकग्राउंड डांसर के रूप में देखा जा सकता है। नंबर 2, नीरू बाजवा। दोस्तों नीरू बाजवा बहुत ही पॉपुलर फेस है जिन्हें आज हमारी इंडस्ट्री में बड़े सम्मान और आदर के साथ देखा जाता है। इनकी डांस स्किल्स से लेकर एक्टिंग तक के चर्चे बड़े मशहूर हैं। दोस्तों नीरू ने अपनी शुरुआत 1996 में आई फिल्म बेकाबू के एक सॉन्ग में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर की थी। नंबर 1, अनिल कपूर।
अनिल कपूर दोस्तों बॉलीवुड के सबसे फेमस और सफल एक्टर्स में से एक हैं। पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने भी अपनी एक्टिंग की शुरुआत एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर की थी, जिसका खुलासा खुद अनिल कपूर ने किया। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें अनिल कपूर फिल्म में हीरो के पीछे नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो शेयर करते हुए अनिल कपूर ने लिखा, मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक फिलर और बैकग्राउंड डांसर के रूप में की थी, जमीन से शुरू किया और अब यहाँ हूँ। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं, और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी एक नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, देखने के लिए शुक्रिया।